गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम सातवीं क्लास के विज्ञान विषय का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पाठ आपके दैनिक का टॉपिक आपका है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण इस पाठ पर आज आपका व्यू लेक्चर फर्स्ट है। आपको बताएं पोषण से क्या तात्पर्य है, पोषण क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। बेसिक बेसिक काफी टर्मोलॉजी आपने फर्स्ट पार्ट में पादपों में पोषण के बारे में मैंने एक बार आपको बताया भी था और कहा था कि दूसरा पार्ट आप पढ़ोगे उस टाइम में वो मैं उसका विशेषणी करवाऊंगा। तब आपने देखा था देखते पोषण या भोजन क्या होता है। भोजन जैसे हम कहते हैं निर्जीव उसमें होती ना, जैसे रेल है, परिवहन है, परिवहन विभाग में काम करना, व्हीकल व्हीकल कई प्रकार के मोटरसाइकिल कार स्कूटर आदि को कार्य करने के लिए डायरेक्ट ईंधन की आवश्यकता होती है। वैसे वैसे अपन देखते हैं सजीव जगत को जैसे पेड़ पौधे तथा मनुष्य या कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं उनको कार्य संपन्न करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन अपन क्यों करते हैं, क्योंकि अपनको ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा मिलते ही अपन किसी भी प्रकार के कार्य को आसानी से संपन्न कर सकते हैं। तब हम बेसिकली देखते हैं सजीवों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन किस प्रकार से प्राप्त होता है, भोजन के आधार पर भोजन सजीव स्वयं बनाते हैं या दूसरों पर निर्भर होते हैं उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर बाद में देखते हैं अपन को भोजन कैसे करना चाहिए और पाचन का प्रोसेस किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं, भोजन मान लो आपके खाया हो उसका पाचन हुआ नहीं हुआ वो सिद्ध क्या होती है और खाद्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करने की विभिन्न विधियों को अपन शॉर्ट में अपन स्टडी करेंगे। जितना मैटर आज कवर हो रहा है उसको आज करेंगे, बाकी वाले अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखते रहेंगे। तो देखिए पहले देख रहे हैं आप भोजन। भोजन क्या होता है, वह खाद्य पदार्थ जिसको सजीवों द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है जिससे उनका पाचन होने पर सजीव को ऊर्जा मिलती और कार्य करने में सक्षम या क्षमता प्रदान करने में सक्षम होते हैं उसे अपन भोजन कहते हैं। तो देखिए वे खाद्य पदार्थ जो सजीवों द्वारा अंतःकरण करके सजीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा शारीरिक मानसिक व रोग प्रतिरोधकता विकास करता है। देखिए भोजन से बेसिकली आपको टर्मोलॉजी आपको पूछते हैं तो भोजन क्या है, वे खाद्य पदार्थ जो सजीवों द्वारा अंतग्रहण किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, खाए जाते हैं, आंतरिक ग्रहण किए जाते हैं, जो सजीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा मिलेगी तभी अपन किसी भी कार्य करने में क्या होते सक्षम होते, बाकी आप में एनर्जी नहीं होती तो फिर अपन कुछ कार्य कर पाते नहीं कर पाते। अपने शरीर में एनर्जी होती है या सजीव में एनर्जी है तो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर पाएगा और बाकी करना पॉसिबल नहीं है। तथा साथ साथ में ऊर्जा मुक्त करें और साथ साथ में उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलपमेंट करने का कार्य करते हैं उसको अपन सामान्य भाषा में कहते हैं भोजन।
भोजन किसे कहते हैं, भोजन क्या होता है, तो आपके दिमाग बात रहेगी। ये स्वर्ग में हमें बताया कि भोजन वो पदार्थ होते हैं, वे खाद्य पदार्थ जो सजीवों द्वारा अंतग्रहण किए जाते हैं तथा सजीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा शारीरिक मानसिक तथा रूप तथा जो विकास करने में क्या होते हैं सहायक होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं भोजन कहते हैं। भोजन के आधार पर अपन देखें सजीवों को दो कैटेगरी बांट रखा है, सवपोषी और विषमपोषी। भोजन के अकॉर्डिंग देखें, भोजन के आधार पर, भोजन के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से आप जानते हो ना, एक तो स्वपोषी और एक परपोषी। एक होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं परपोषी। परपोषी को पुनः अपन देखते हैं, तीन कैटेगरी में अपन डिवाइड कर लेते हैं, एक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इस तीन कैटेगरी में अपन डिवाइड कर लेते हैं। देखिए भोजन बनाने के अकॉर्डिंग या भोजन के आधार पर सजीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो होते हैं स्वपोषी, उसके अंतर्गत आते हैं तो आपके पेड़ पौधे, इसमें क्या आते हैं पादप जगत पादप, और परपोषी माते जंतु, क्या आते हैं जंतु, वो आते हैं परपोषी के अंतर्गत आते हैं। आप जानते भी हो इनको वापिस देखें तो उनके खान पान के अकॉर्डिंग इनको भी पुनः तीन कैटेगरी में बांटते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसको मैंने पहले पार्ट में भी आपको समझाया था और आपको पता भी है कि शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जबकि मांसाहारी वे जंतु होते हैं जो कई प्रकार के जीव जंतुओं को भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, चित्ता, बाघ आदि देखते हैं, तो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए शाकाहारी जंतुओं क्या करते हैं भक्षण करते हैं। और सर्वाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो मांस तथा साग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, स्थिति के अनुसार अपना भोजन बदल सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं मांसाहारी। मांसाहारी के सॉरी सर्वाहारी, सर्वाहारी के अंतर्गत आप क्या आते हैं मनुष्य, कुत्ता, कोयला, जैसा जैसा उनको परिवेश मिलेगा उसके अनुसार वो क्या करते हैं अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखते हैं भोजन जंतु ग्रहण करते हैं वो भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध व संतुलित होना नर्सरी बताया गया। भोजन जो भी आप खा रहे हो वो भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध एवं संतुलित होना चाहिए। शुद्ध एवं संतुलित भोजन खा रहे हो तो ठीक है, और मान लो संतुलित एवं शुद्ध भोजन नहीं है तो फिर खाना उचित नहीं माना जाता है, तो भोजन क्या चाहिए दूषित, और दूषित भोजन करने से कई प्रकार के रोग या इन्फेक्टेड लक्षण देखने को मिलते हैं, तो हमेशा संतुलित भोजन अपन को करना चाहिए। अब संतुलित भोजन की परिभाषा आती है, तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के अवयव घटक सभी सभी उपस्थित हो, निर्धारित मात्रा में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारा सारा पोषक तत्व उपस्थित, उसको अपन बोलते हैं संतुलित भोजन। देखिए परिभाषा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ऊपर वाले मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, संतुलित भोजन की परिभाषा क्या हो जाएगी तो आपको पूछे तो क्या कहेंगे, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के आवश्यक अवयवी तत्व निर्धारित मात्रा में उपस्थित उसे संतुलित भोजन कहते हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं संतुलित भोजन के अवयवी तत्व है कौन कौन से, तो इसमें आप देखते हैं अवयवी तत्व, आप देखते हैं तो आप जानते भी हो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में आप देखते हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रसे, वजन, ये आपके घटक बताए गए अवयव भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो ये आपके दिमाग में रहे। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के आवश्यक अवयव तत्व निर्धारित मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं, तथा ये कैसा होता है, शुद्ध भोजन होता है। अवयव तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रसे तथा जल, ये निर्धारित जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार साथ साथ बताई गए। ऐसा नहीं मतलब आप डेली का खाना खा रहे हो उसमें ऑनली फॉर घी खा रहे हो और कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन तो है ही नहीं, तो वो भी मतलब एक तत्व या अधिक मात्रा में उसमें भी डाल मिला टेप वगैरह फैक्टर देखने को मिलते हैं और शरीर आपका क्या हो जाएगी, रोग ग्रस्त होने की संभावना भी रहती है। तो सभी प्रकार के पोषक तत्व जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उनको ग्रहण करना नेसेसरी बताया गया है। आगे आप देखते हैं पाचन किसे कहते हैं। अब मान लो आपने संतुलित भोजन खाया तो उसका क्या पाचन होता है, नहीं हो तो पाचन किसे कहते हैं कि जटिल खाद्य पदार्थों की, कई प्रकार के जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सरल शर्करा में अपघटित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन, जो सजीवों के अंतर्ग्रहण भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। तो देखिए पाचन किसे कहते हैं, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो संतुलित भोजन की परिभाषा का और अवयवी तत्व कौन कौन से होते हैं आपके दिमाग बात रहे, फिर बाद में अपन पाचन पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए देखिए आगे आप देखते हैं पाचन, पाचन का प्रोसेस क्या होता है। जब कोई भी खाना आपने खाया है, खाद्य पदार्थ खाया, क्या उसका शरीर में पूर्ण तो पाचन हुआ या नहीं हुआ, पाचन से आपका क्या तात्पर्य है। पाचन से मतलब ये होता है कि सजीवों द्वारा अंतर्ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में अपघटित होना या होने की प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। दिमाग बात रहेगी, क्या बताया गया, सजीवों द्वारा अंतर्ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में अपघटित होने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं, अर्थात रिएक्शन के रूप में भी मैंने आपके सामने रिप्रेजेंटेशन किया है, इस रूप में भी शॉर्ट में आप बता सकते हैं भाई पाचन। अब अपन देखते हैं इसके जस्ट आगे बिंदु अपने था खाद्य अंतग्रहण की विधियाँ, किस प्रकार से सजीव खाद्य पदार्थों को अंतग्रहण करते हैं। कई सजीव भोजन को हार्ट से ग्रहण करते हैं, कई प्रकार भोजन को शोषण करके ग्रहण करते हैं, तो भोजन को अंतग्रहण करने की अलग अलग विधियाँ, उसमें अपन फर्स्ट देखेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र का भी अपनी स्टडी करेंगे। तो देखिए अगला बिंदु दे रखा है वो आपके क्या है, खाद्य पदार्थों को अंतग्रहण करने की। देखिए खाद्य अंतग्रहण करने की विभिन्न प्रक्रिया करते हैं सजीव भोज्य पदार्थ को अलग अलग तरीके से खाते हैं, या तो भोजन को क्या करते हैं सेलते हैं, सेलना जैसा आप भी जानते हो कि जैसा अकॉर्डिंग अपन को मान लो मटेरियल मिलता है उसके अनुसार मान लो उस पर किसी भी पदार्थ बाह्य पदार्थ या इस प्रकार कठोर पदार्थ है तो उसको क्या करते हैं सेलते हैं सबाना, फिर अपने मुंह में क्या करते हैं भोजन को सबा सबा के भी फिर अंदर करते हैं और फिर बाद में उसका पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। काटना छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, ऐसा नहीं बड़े बड़े डायरेक्ट मान लो आपने कोई फ्रूट ला रखा और उसको डायरेक्ट कट करते ही नहीं, वो डायरेक्ट घट लेते निकलते नहीं, ऐसा नहीं होता है। पकड़ना भोजन को मतलब ऐसा नहीं मतलब जैसे आपने क्या खरबूजा खरीद रखा है और उसको आप लटका रहे हो और फिर बाद में उसको खाते जा रहे हो, ऐसा नहीं करते, तो उस भोजन को क्या करते हैं पकड़ के आराम से आसन से क्या करते हैं खाते हैं कट करते हैं सीधे फिर बाद में उसको निकलते हैं। और सोचना कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको सोचने की जरूरत होती है, तो सोचने के माध्यम से भी अपन उसको यूज खाद्य पदार्थ को अंतग्रहण करते हैं। और शोषण की प्रक्रिया कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो भोजन को शोषते रहते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा
अमीबा वगैरह होते हैं वो भोज्य पदार्थ के अंदर सोचते हैं, या छोटे जीवों को भी आपने देखा होगा तितली वितली नहीं होती, वो खाद्य पदार्थ के रूप में पुष्पों का मकरंद को ग्रहण करती और रस को पीती, वो क्या करती सूचने काम करती, उनकी अगले नुकुली सांस को अंदर डाल के बाद में उसको क्या करती सूचती। तो इस प्रकार के कई प्रोसेस के अकॉर्डिंग भोज्य पदार्थ को सजीव अलग अलग विधियों द्वारा क्या करते हैं ग्रहण करने का प्रोसेस आपने देखा भी होगा। अब अपन देख रहे हैं मनुष्य में पाचन तंत्र का प्रोसेस क्या है, मनुष्य किस प्रकार से खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है, क्या कैसे विधि फॉलो करता है, और फिर बाद में उसमें काम आने वाले कौन कौन से अंग हैं, किस प्रकार के एक एक हिस्ट्री, तो अपने उसको स्टडी करेंगे। बेसिकली आप देखते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित मुख्य काम आने वाले अंग कौन कौन से बताए गए उसको अपन देख रहे हैं, फिर बाद में अपन विस्तार रूप से मनुष्य में पाचन तंत्र को अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। एक बार आपको अंग बता रहा हूँ, मनुष्य में पाचन तंत्र संबंधित अंग मुख्य अंग आपके आ रहे हैं मुख गुहा के अंदर आपके आते हैं मुख गुहा, उसमें आपके दांत भी आ गए, जीवा भी आ गई, कई प्रकार की लार ग्रंथियां भी उसमें पार्टिसिपेट हो जाती मुख गुहा में। फिर बाद में मुख गुहा के बाद में आपके देखते हैं ग्रसनी, जो अमाशय तथा मुंह से भोजन को आगे सप्लाई करने का काम करती है, कनेक्टिविटी का काम करती है ग्रसिका। फिर बाद में अमाशय भोजन को स्टोरेज करने का काम करता है। फिर आपके छोटी आँख बड़ी आँख अलग अलग प्रकार की आँख होती है, अलग अलग प्रकार की पाचन थैलियाँ होती है, वहाँ पे कई प्रकार के पाचन एंजाइमों का स्त्रण होता है। फिर बाद में मलाशय और फिर बाद में मल द्वार, तो अलग अलग पार्टिशन का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से होते हैं इसका अपन डायग्रामिकल एक एक चीज को अपन विस्तार रूप से स्टडी करेंगे, जो अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे सेकेंड वीडियो लेक्चर रिलीज होगा वो पाचन तंत्र पर आधारित होगा। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, व्यवस्थित रूप से समझे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या मैटर समझ नहीं आता डायरेक्ट पूछ के उस चीज का समस्या का समाधान करें, व्यवस्थित अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना रखें, घर पर रहें सुरक्षित रहें, अपना काम करते रहें। सॉरी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह थी कि मैंने इसमें आपकी क्लास सेंड की थी, क्लास आपकी कौन सी थी शांत थी, क्लास कौन सी आपकी शांत क्लास, आपकी क्लास वैसे वैसे रह गया कोई बात नहीं, तो ये शांत क्लास का मटेरियल आपने अपडेट किया। इम्पोर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।